इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर स्थित नक्षत्र में गुरुवार को लव यू जिंदगी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सुगंधा मैगजीन का विमोचन भी किया गया। इस दौरान तंबोला मस्ती के साथ ही कुकिंग स्पर्धा, फैशन शो और महिलाओं का सम्मान भी किया गया। आयोजन के दौरान प्रतिभाशाली महिलाओं का लव यू जिंदगी ग्रुप द्वारा सम्मान भी किया गया। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रतिभा मित्तल ने बताया कि गुरुवार को दिन में हुए आयोजन में जहां सुगंधा मैगजीन के विमोचन किया गया, तो वहीं अग्रवाल समाज महिला प्रकोष्ठ के आयोजन में कुकिंग स्पर्धा एवं फैशन शो सहित अनेक आकर्षक कार्यक्रम हुए। उक्त आयोजन में श्रीमती आर्यमा सान्याल, समाज सेवी श्रीमती अर्चना जायसवाल और वुमेन्स प्रेस क्लब की प्रेसिडेंट शीतल रॉय के आतिथ्य में महिला प्रकोष्ठ की नेत्रियों ने खुशनुमा माहौल में लव यू जिंदगी कहते हुए अपने अनुभव साझा किए। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। दिया तो शायद 15 दिन पहले मेरा लिया होगा, निजली गया कि मैं मतलब ब्यूरो एमपी, लेकिन अभी चूंकि मैंने पिछले हफ्ते ही दूसरा चैनल ज्वाइन दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अतुला मैम ने जो कहा कि मुझे भी जरी वाला पसंद है, पर मैं देखना पसंद है जब मैं पहन। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए और बड़ी अच्छी बात है कि अग्रवाल समाज की इतनी महिलाएँ पहली बार एक मंच पर, इतनी महिलाओं को जोड़ना बड़ा कठिन काम है। और आप देखते होंगे कि समाज में जो वर्तमान स्थितियां हैं, एक दूसरे एक जो हम घटनाएं देख रहे होते हैं कि पड़ोस में कोई घटना हो गई, पड़ोसी को पता ना चला, लेकिन ये एक पहल है कि इस जब हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं, समाज की महिलाएं जब एक मंच से जुड़ती हैं, एक संगठन से जुड़ती हैं, तो हम आस पड़ोस में होने वाली घटनाओं को एक रोक सकते हैं। दूसरा, जो संस्कारों के बच्चों में कमी आ रही है, ऐसे कल्चरल प्रोग्राम अरेंज करके हम एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के जो हम में विवेक है, हम में टैलेंट है, वो हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे मंच होना चाहिए कि समाज में आपने देखा कि जो परिवार हैं अलग होते जा रहे हैं। पहले एक पूरा समग्र परिवार रहता था, लेकिन आप शहरों में देखो, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, बच्चे आया के पास है। तो ऐसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं तो वाकई बड़ी अच्छी बात है, पहल होना चाहिए हर समाज में, क्योंकि समाज से शहर बनता है, शहर से हमारा देश बनता है, और समाज ही एक राष्ट्र की विकास की धुरी है। कि जब समाज अच्छा नहीं होगा तो हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कैसे कर पा सकते हैं ना। तो जब ऐसे छोटे छोटे संगठन से ही हमारा सभ्य समाज बनता है, सभ्य समाज से हमारे सभ्य राष्ट्र का निर्माण होता है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, ऐसे ही मंचों से ही हम उसके संस्कार दे पाएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसी महिलाओं से जुड़ी आके। आपका परिचय? शीतल रॉय। मैं पॉलिटिकल, तो आज मेरा शूट चल रहा था, अभी मैं जनरली एक हफ्ते भी नहीं हुए, तो वहाँ जनरली मेरे प्रोग्राम बन रहे हैं, तो शूट चल रहा था, मैं कपड़े बदलने का समय नहीं मिला, तो मैं ऐसे ही आ गई। और मीडिया में ऐसा ही होता है कि हम कब क्या दूसरी, मेरे चूँकि भाई लोग हैं तो उनको पता होगा। और एक चीज़ में आप गुजिया इंडियन और उसके अंदर का जो उसने फीलिंग करी है, इट्स टू गुड, टू गुड। हमारे साथ एक इटालियन शेफ भी थे सर, वो चले गए शेफ, राइट, एंड ही सेड कि थोड़ी सी इसकी फर्क जरूर होती है मैम, बट टेस्ट इज अमेजिंग। तो तालियां एक बार जोरदार। जिला प्रकोष्ठ अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति की ओर से 18 मार्च को नक्षत्र सभागृह में मिले हैं। यहाँ पर करीबन 110 बहनें हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस इवेंट को कर रहे हैं। आज हमारी जो इन हाउस पत्रिका है सुगंधा 3, उसका हमने विमोचन किया है। हम लोग पिछले 10 वर्ष से इस संस्था के थ्रू काम कर रहे हैं। इसकी जो सिस्टर कंसर्न है लव यू जिंदगी, उसके बैनर पर हमने ये मैगजीन का विमोचन किया है। इस मैगज़ीन की सबसे बड़ी बात, खासियत जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कि इस मैगज़ीन में जितने आर्टिकल्स हैं वो इन हाउस महिलाओं ने लिखे हैं। इस तरह से कि जो हमने लॉकडाउन अनलॉक का जो टाइम निकाला और फिर जो हमारे एक्सपीरियंस हुए महिलाओं के, उसको हम गूगल पे सर्च नहीं कर सकते कोई भी गूगल, क्योंकि ये घरेलू महिलाएँ हैं, तो उसको हम कैसे शो करें, कैसे बताएं हमारी फीलिंग्स को कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ियाँ उसको जाने। तो हमने ये आइडिया निकाला कि हम सुगंधा 3 को लॉन्च करते हैं डिजिटली, और उसके लिए हमने उन महिलाओं से आर्टिकल मंगाए, वो किसी भी तरह से देखती थी, दे सकती थी, इवन जिनको लिखना नहीं आ रहा है वो सिर्फ कहना चाहती हैं, तो हमने उन्हें ऑडियो के रूप में मंगाया और फिर हमने उन्हें शब्दों का रूप दिया। आप मानेंगे नहीं, 3 दिन में हमें 55 आर्टिकल्स मिले थे।
फिर उस दौरान कुछ महिला, इसका मेन मकसद ये था कि हमने बहुत कुछ सीखा कोविड के दौरान, कुछ अच्छे अनुभव, कुछ बुरे अनुभव। किसी की डेथ हो गई थी तो हम वहाँ जा नहीं पाए, इवन स्पेशली जैसे एज अ फीमेल कि हमने ब्यूटी पार्लर को मिस किया, आलू प्याज मिर्ची को मिस किया, तो वो सारी चीज़ें। और नेचुरली फिर भाई लोगों ने तो अपने तरीके से ज़िंदगी की परेशानियाँ उठाई है, तो उन परेशानियों के बीच में भी हम जब फैमिली के साथ रहे तो कभी हम फ्रस्ट्रेट हुए, कभी हम प्यार में आए, तो हमने उन्हीं शब्दों का रूप दिया। सजाया सवारा है, मैगजीन आप लोगों के पास है, आप देखिएगा, पढ़िएगा और हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी, मेरा नाम प्रतिभा मित्तल है। जी, हमने कुकिंग कंपटीशन का भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, बिकॉज लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि सबके घरों में कचौरी मिल रही थी, सराफा में नहीं मिली लेकिन घरों में मिल रही थी, तो हमने उसी तरह से इसको प्लान किया कि सब अपने घर से नमकीन व्यंजन बना के लाएँ। यहाँ पर 35 महिलाएँ जो है अपने घरों से नमकीन चीज़ें बना के लाई, हमने उसे सिर्फ डिस्प्ले किया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग दी है, और 5 लोगों को हमने सिलेक्ट किया था इसमें और वो विनर रहे, और बाकी सबको हमने कॉन्सोलेशन प्राइजेस दिए। आपका नाम? प्रतिभा मित्तल, संस्थापक अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।